सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 6:10 हो गए हैं, तो आज ना धूप लग गई है बढ़िया। वैसे कल तो मौसम ख़राब हो गया था, और हमारे यहाँ पे तो 5:30 को धूप लग जाती है। और आज सुबह सुबह यहाँ पे हमारे घर के पास में ना गाड़ी खड़ी हुई है, तो कल ना इसी गाड़ी में सामान लेके आए थे हम। ये गाड़ी हमारे गांव के एक लड़के की है, और फिर रात को उसने ना गाड़ी में कुछ और सामान लाया होगा गांव वालों का, तो फिर गाड़ी उसने यहाँ पे खड़ी की हुई है। और ये गाड़ी बिल्कुल हमारे घर के आंगन में ही है, पर 4 कदम पीछे को है। और ना हमारी यहाँ पे जब अपनी गाड़ियाँ होंगी तो हमारी गाड़ियाँ सीधी आंगन में चली जाएगी। अभी तो यहाँ पे हमने पीछे रेत बजरी वगैरह रखा हुआ है, तो उस वजह से गाड़ी थोड़ा सा पीछे रहती है। और आज ना हमारे मिस्त्री 3-4 आने वाले हैं, तो एक तो टाइल वाले आते हैं, दूसरे हमारे, फिर एक मिस्त्री मैंने आज और बुलाए हैं जिनको कि थोड़ा सा यहाँ पे पत्थर का चिनाई वगैरह का कुछ काम करना है। फिर तीसरे आज ना बेल्डिंग वाले को भी बुलाया है, तो 3-3 मिस्त्री आएंगे आज हमारे। तो तब आज हमें भी जल्दी जल्दी अपना काम करना होगा। और हरदीप अभी सो रहा है, तो उसको मैंने बोला सोने देती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि शाम का थका हुआ है वो। हमने शाम को ना सोलिंग ढोया है, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है सोलिंग थोड़ा सा, और इसको ना शाम को ढोया था हरदीप ने। और यहाँ पे इसी आंगन में लगाने वाले हैं हम इस सोलिंग को, तो इस आंगन के लिए आ रहे हैं आज हमारे मिस्त्री। तो क्या क्या काम होगा आज हमारा, तो उसको देखने के लिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट भी कर दीजिए। और अब मैं पहले तो हम दोनों के लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर दिन में लंच तो सभी के लिए बनेगा ही बनेगा, लेकिन अभी सुबह 2-2 फुलके बनाऊंगी, तो हमारे लिए वही काफ़ी हो जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट हमारा बन गया है, और ये देखिए ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने फुलके पकाए हैं, और 6 फुलके पकाए हैं मैंने 2 लोगों के लिए, और साथ में मैंने प्याज की पत्तियों की सब्जी बनाई है। ये कटोरी में रही हमारी सब्जी, और प्याज की पत्तियाँ ना अभी सूखने भी लग गई है वैसे, तो थोड़ी सी अभी हरी हरी जो है ना उनकी मैं सब्जी बना लेती हूँ निकाल करके कभी कभी। तो अब मैं हरदीप को भी उठाऊंगी और हम ना खाना खाएंगे। तो दिन में भी खूब जमेरा। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, और उसके बाद मैं और हरदीप यहाँ पे लग गए हैं काम को। और यहाँ पे पहले ना जो पत्थर लगाए हुए हैं मैंने खुद नहीं लगाए थे ये, तो हरदीप इनको यहाँ से निकालने लग गए हैं, क्योंकि अभी हमारे मिस्त्री आएंगे ना, तो फिर उनको यहाँ पे चिनाई करनी है। तो फिर हमने सोचा कि पहले इन पत्थरों को यहाँ से निकाल ही लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा मिस्त्री का काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए पाइप वगैरह लगाई हुई है जो हम बांस बेसन के पानी की, इसको भी निकाल करके रख लेंगे साइड में। और इस वाले आंगन में आज फर्श डालना है हमें, और साइड में दीवार भी बनानी है छोटी सी। ये पाइप भी दूजे पर फकनी थी, भेजन से पत्थर पीछे कभी आ जाने। ये बाथरूम मरनी है, ये सब लीजिए पर जो माइकन कोई पर को दूसरे डोल डोल चो पड़े जैसा पड़े नहीं फिक्स करते खुल गई ऊपर वाली फिर भी लाना पड़ी ये तिलाने वो टोला सा दौड़ दौड़ के दी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ चल से ठीक है। तो मिस्त्री हमारे आ गए हैं, और यहाँ पे मिस्त्री ना शुरू हो गए हैं अपने काम पे। और ये मिस्त्री ना जिन्होंने मेरे घर का प्लास्टर किया है वही मिस्त्री हैं ये, तो इनको भी बुलाया था मैंने, तो आज ये आ गए हैं यहाँ पे फिर से हमारे काम को। तो हरदीप भी लग गया है साथ साथ में। पहले ना यहाँ पे मिस्त्री ये जो पत्थर लगा रहे हैं पीछे को ना, यहाँ पे हमें मिट्टी डालनी है, मतलब यहाँ पे आंगन में जो भी मिट्टी है इसको यहाँ से खोद करके निकालना है, क्योंकि यहाँ पे सोलिंग जो डालना है, तो फिर मिट्टी भी हमारी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी पीछे को। तब यहाँ पे पत्थर लगा रहे हैं मिस्त्री। तो यहाँ पे आंगन में जो मिट्टी खोदने का काम चल रहा था ना हमारा, तो मिट्टी खोद ली है, पर अभी आधे आंगन से एक खोदी है। और मिस्त्री ना यहाँ पे पत्थर की चिनाई करने लग गए हैं, मतलब जो भी यहाँ पे पत्थर की चिनाई होगी थोड़ी बहुत, और बाकी बीच में सोलिंग डालेंगे। बाकी थोड़ा सा भी पीछे को और साफ करना है, पर पहले यहाँ पे जो हमें छत डालनी है ना, तो छत वाला जो एरिया बनेगा हमारा वहाँ पे पहले काम होगा हमारा आज। बाकी और मिस्त्री अभी हमारे कोई आए नहीं है, पता नहीं जब आएंगे तभी पता चलेगा कि आएंगे कि नहीं। और जो आंगन से मिट्टी निकाली ना खोद करके, वो सारी मिट्टी हमारी यहाँ पे बाथरूम के पीछे एडजस्ट हो गई है, बढ़िया से क्यारी भी बन गई वहाँ पे। तो वहाँ पे अब मैं स्ट्रॉबेरी लगा लूँगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी हमारी यहाँ पे ही है काफ़ी सारी।
तो यहाँ से उखाड़ करके रखी भी है पौधे याद ना, उनको मैं पीछे को लगा लूंगी, फिर अभी तो धूप है पर बाद में लगाएंगे। तो आंगन में सोलिंग भी बिछा दिया है मिस्त्री ने, और वेल्डिंग वाले मिस्त्री भी आ गए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे दो पिलर भी गाड़ दिए हैं छत बनाने के लिए। और यहाँ पे हरदीप रेत बजरी ढोरा है आंगन में फर्श डालने के लिए। जी जा बोलो। तो हमारे आंगन के फर्श में एक बोरी मसाला मिक्स किया हुआ था, उसको तो लगा लिया है, फिर से ख़त्म हो गया मसाला। तो हरदीप फिर से यहाँ पे रेत और बजरी ढोने लग गया है। वैसे सुबह भी ढो लिया था इसने, पर वो एक ही बोरी का ढोया था और हमने सोचा कि थोड़ा कम लगेगा, मतलब एक बोरी सीमेंट का मसाला ढोया था इसने सुबह, तो एक बोरी सीमेंट की डालेंगे, तो उसमें डालेंगे 4 बजरे की 4 रेते की। तो अभी फिर से 4 बोरी रेते की 4 बोरी बजरे की, फिर डलेगी उसमें 1 बोरी सीमेंट की, तो तब पता लगेगा फिर कि हमारा आंगन कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो शाम के 6:15 बज गए हैं और हमारे बाथरूम के बाहर जो आंगन था ना, उसका फर्श भी आज कंप्लीट हो गया है, और छोटा सा एरिया आगे को रह गया है, वो इसको हम बाद में देखेंगे किसी दिन कि इसको भी फर्श डालना है या नहीं। और पौड़ियों में जो रीलिंग लग रही है ना, उसका काम अभी भी चालू है, वैसे कंप्लीट होने ही वाला है वो भी। और बहुत ज्यादा काम था आज हरदीप को करने को, यहाँ पे सुबह से मिट्टी भी खोदी, सोलिंग भी ढोया, बिछाया भी, उसके बाद फिर फर्श डाला, तो सारा दिन बराद ना यहीं पे लग गया हमारा। और ये देखिए इस तरह से लगी है हमारी पौड़ियों की रेलिंग। और हरदीप ने इतना ज्यादा काम किया है आज सुबह से शाम तक ना, कि बुरी हालत हो गई होगी हरदीप की। तो वहां पे बैठ करके अभी वो आराम कर रहा है, पीछे पत्थर है बड़ी सी ना, वहां पे बैठा हुआ है ये। और यहाँ पे ना एकदम शांत जैसा है हमारे बैठने के लिए एरिया जो है, यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली सा है। एक तो यहाँ पे मतलब जंगल है, ठंडी ठंडी हवा भी चली रहती है, तो जब ऐसे कोई थकान वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे आराम कर लेते हैं। और कई दिनों से सोच रही थी मैं कि हमें बाथरूम के बाहर फर्श भी डालना है और साथ साथ में पौड़ियों की रीलिंग भी लगवानी है, तो अभी हमारा ये काम जो है ना कंप्लीट होने ही वाला है। लगभग आंगन का तो हो ही गया है, पौड़ियों का भी होने ही वाला है अभी। बाकी अभी हमें अपने छत में सीलिंग करवानी है, तो अब मिस्त्री आ गए हैं हमारे ना, तो वो काम भी हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा अब लगभग। और टाइल वाले मिस्त्री आज हमारे आए नहीं थे, तो 2 दिन उनकी अब्सेंट हो गई, कल भी नहीं आए थे वो, कल तो हम भी सामान लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन आज उन्होंने बोला कि हम आ जाएंगे, पर आज भी नहीं वो आए। तो मैंने बोला कि आज हमारा बरामदा क्लियर हो जाना था जो थोड़ा सा बचा था, बाकी फिर फिनिशिंग ही रह गई थी करने को, तो आए नहीं आज वो, तो देखते हैं कल आएंगे कि नहीं। तो हम भी सोच रहे थे कि हमारा काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाता तो चलो अच्छा था, फिर हम यहाँ से फ्री हो जाते तो कुछ और करते, मतलब अपने घर का काम, नहीं तो हम सारा सारा दिन भर इसी घर के काम में बिजी रहते हैं। और काम भी बहुत होता है करने को, पर मतलब खुशी होती है इतनी, हमारा घर ना भी कम्प्लीट हो रहा है,
तो खुशी की वजह से उतनी ज्यादा थकान भी सच में हो रही है। तो आज मैंने भी बहुत ज्यादा काम किया है हरदीप के साथ साथ में, लगी रही मैं भी, क्योंकि हरदीप को आज ना बहुत ही ज्यादा काम था अकेले करने को। ये तो साथ साथ में मिस्त्री ने भी हेल्प कर ली, और जो वेल्डिंग वाले मिस्त्री आए हैं ना वो तो मेरे भाई लगते हैं, तो साथ में उन्होंने भी थोड़ी देर हेल्प की हरदीप की। तो इस तरह से हमारा काम अच्छे से निकल गया आज। वैसे हरदीप ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत रखी, क्योंकि सबसे ज्यादा काम तो हरदीप ने ही किया, तो अकेले ने किया ना, रेत बजरी भी ढोया इसने, बहुत ही ज्यादा काम था सच में इसको तो, और इसने भी निपटा लिया। ये भी ऐसे ही बोल रहा है कि चलो बन तो रहा है अभी घर अच्छे से, तो तब ये भी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। और कई दिनों से हरदीप बोलता भी था ना कि हमारा घर अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा सा घर बनाएंगे हम भी, क्योंकि बच्चों के दोस्त वगैरह होते हैं ना, तो ये देखते भी हैं, अपने दोस्तों के घर भी देखते हैं, तो कईयों के अच्छे अच्छे घर होते हैं, तो हमारा भी उतना अच्छा था नहीं, तो फिर उसको भी लगता था कि हमारा इतना अच्छा घर नहीं है, हम अच्छे से इसको बनाएंगे। हर बार ये बोलता रहता है कि ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, अभी भी ये तो बोल रहा है कि हम अभी भी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर चलो अभी भगवान हमारा साथ देगा ना, तो भी और भी कुछ करने का सोचा है, तो धीरे धीरे करेंगे। वैसे है तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ना सबकी इच्छा पूरी करे, मतलब घर बनाने की इच्छा होती है एक तो सभी की, तो सभी की इच्छा पूरी हो जाए, सबके अच्छे अच्छे घर बन जाए। और अब मैं पहले तो हमाम में आग जलाऊंगी और पानी वगैरह गर्म करूंगी, क्योंकि सारा दिन भरम ना सीमेंट की धूल में पड़े हुए थे और थके हुए भी हैं, तो गर्म गर्म पानी से नहाएंगे तो थकावट भी थोड़ी सी कम होती है। और फिर साथ साथ में शाम का खाना भी बनाना है अभी, तो अब इसे लग जाऊंगी, मतलब फिर जल्दी आराम भी करेंगे, नहीं तो सारा दिन भर थके होते हैं ना, तो एक तो फिर शाम को वीडियो एडिट करनी होती है, इसको भी टाइम लग जाता है, तो फिर हमारी वीडियो ना रोज़ रोज़ लेट ही हो जाती है। और पशुओं को तो हरा चारा लाने को आज टाइम ही लगा है सारा दिन भर, इनको तो सूखा ही घास डाला है आज, मतलब घास तो काफ़ी है पर लाने को टाइम ही लगा ना। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।